नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लासेस 34 गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे अप्रेंटिस के बारे में। यह बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिन बच्चों ने इंटीग्रल फैक्ट्री कोच यानी IFC का फॉर्म भरा था तो उनका रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो ना तो किसी सरकारी रिजल्ट पे है ना ही किसी रोज़गार रिजल्ट पे है। ठीक है, ये जो आया है यह मैसेज के थ्रू आया है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है तो इसलिए सावधान हो जाओ। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, मैं सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखे हुए हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भी बच्चों को कन्फर्म नहीं हो पा रहा तो सबसे पहला जो नंबर है मैं आपको ये दिखा दूँ कि आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। ठीक है, और चौथा नंबर ये है, ये चार नंबर हैं। ठीक है, अब आप इनको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एक बात और, जो बच्चे के मैसेज आ रहे हैं ठीक है उन पे कुछ एड्रेस वगैरह कुछ नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिनका रिजल्ट हो गया है वो सिलेक्शन के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, उनको किस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, ये एक बच्चे का है। ठीक है, तो इस बच्चे का नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने लिख के भेजा है कि डियर, ठीक है, श्री शवाई अजय, ठीक है, चंद्रदास अजय, ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस 2018 काइंडली रिपोर्ट टू CHOS रिक्रूटमेंट PB IFC फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 6 तारीख यानी 6/9/2018 यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वह 6/9/2018 को 8:09:30 ठीक है यानी सुबह के 9:30 पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आगे लिखा हुआ है कि काइंडली रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आने हैं एंड फोटो स्टेट लेके आनी यानी फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, 10th और ITI की सर्टिफिकेट की एंड कम्युनिटी की एंड TC एंड CLC एंड प्रूफ ऑफ रेलवे वार्ड एम्प्लॉय एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो फोटो कॉपी लेके आनी है आधार कार्ड की, हाई स्कूल की, ITI की, कम्युनिटी की और TC और CLC की, और एक प्रूफ भी देना पड़ेगा आपको कि रेलवे वार्ड या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसका मतलब यह है अगर कोई आपका रिलेशन है, ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशन है रेलवे के अंदर, ठीक है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं होगा बट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका एड्रेस लगेगा ताकि आपको वे जानते हों। ठीक है, तो आप याद रखना कि वो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप गए जैसे, ठीक है, बट आपके साथ जो होंगे उनका एड्रेस लगेगा, बट वे एड्रेस जो लगेगा वह चेन्नई का लगेगा क्योंकि वह चेन्नई के होने चाहिए। ठीक है, इफ़ नॉट रिपोर्टेड यू विल नॉट बी कंसिडर फर्दर यानी आप क्या होंगे वह अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप एक्ट नहीं होंगे। ठीक है, यानी आपको निकाल दिया जाएगा। APORICF ये नंबर दिया गया है। ठीक है, आप इस पर कॉल करो, बट जब इस पर कॉल करेंगे तो बच्चे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इससे पहले जो नंबर बताया मैंने यही नंबर है। ठीक है, बट तीन नंबर मैंने एक्स्ट्रा और दे दिए आपको हेल्प के लिए, तो आप कॉल करके मालूम कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको जाना कहाँ पे है, बट इसने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे चले जाओ। यार ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस एड्रेस पे जाना है, तो आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है इन्होंने कि एड्रेस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपको एड्रेस पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना है कि टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर नियर जनरल मैनेजर्स ऑफिस बिल्डिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, पिन कोड नंबर है 600038। तो आपको इस जगह पे जाना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है, वही है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपका एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, रेलवे के अंदर, और वो भी कहाँ के होने चाहिए, चेन्नई में। चाहे आप हो, चाहे आपके फ्रेंड के रिलेशन वाले हों, यानी कुछ भी हो, आपको उनका एड्रेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाना है, आपको किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।